हेलो सिक्स स्टैंडर्ड, दिस इज़ योर ICT लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन आंसर यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू MS Excel। एक्सरसाइज है फर्स्ट ए फिल इन द ब्लैंक्स इन अ स्प्रेडशीट रो एंड आर लेबल्ड बाय यूजिंग डैश। तो इसका आंसर क्या है? नंबर। रो को किसे लेबल करते हैं? नंबर देके। नेक्स्ट वन है अ स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश। स्प्रेडशीट जो है वो डेटा कैसे डिस्प्ले करते हैं? रो और कॉलम के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आंसर है? रो एंड कॉलम्स, टेबुलर फॉर्म में रो और कॉलम्स। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड वन, द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिव सेल इज डिस्प्ले बाय फॉर्मूला बार। एक्टिव सेल की इंफॉर्मेशन कहाँ पे डिस्प्ले होती है? फॉर्मूला बार पे। नेक्स्ट क्या है? टू सेट अ फॉर्मूला यू एसेस द डैश टैब ऑन द रिबन। फॉर्मूला सेट करने के लिए फॉर्मूला टैब को एसेस करना पड़ता है रिबन में से। बी वन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चन आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन है व्हेन यू वांट टू इंसर्ट अ फंक्शन यू विल क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। ट्रू, अगर हमें कोई भी फंक्शन इंसर्ट करना है तो हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट वन है फॉर्मूला बार डिस्प्ले स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव वर्कशीट। फॉल्स, फॉर्मूला बार एक्टिव वर्कशीट के स्टेटस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करती, इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। थर्ड वन है बाय डिफॉल्ट द इंसर्ट टैब इज ओपन व्हेन यू स्टार्ट MS Excel। बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होता है, इंसर्ट टैब नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मूला बार? फॉर्मूला बार का क्या यूज है? फॉर्मूला बार इज लोकेटेड बिलो द रिबन, इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव सेल। द फॉर्मूला बार अलाउ यूजर टू व्यू एंड एडिट फॉर्मूला और वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड सेल। ये फॉर्मूला बार का यूज है। क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू या फिर कुछ कैरेक्टर हमने जो ऐड किया है वो हम उसे एडिट करके इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाउ आर रो एंड कॉलम रिप्रेजेंट इन अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट में रो और कॉलम कैसे प्रेजेंट हो करते? इन अ स्प्रेडशीट रो आर रिप्रेजेंट एज नंबर्ड 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कॉलम आर रिप्रेजेंट एज अल्फाबेट ABC एंड सो ऑन अप टू Z। देन द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट सच एज AA, BB एक्सेट्रा। तो नंबर कैसे प्रेजेंट करते हैं? रो 1, 2, 3, 4 नंबर प्रेजेंट करते हैं और कॉलम ABCD सेल तक हम लिख सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन मतलब AA, BB, CC इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन है सी, नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ MS Excel एप्लीकेशन विंडो। तो MS Excel के एप्लीकेशन विंडो के पार्ट कौन से है? देखिए, टाइटल बार, क्विक एसेस टूल बार, रिबन, फॉर्मूला बार, वर्कबुक, वर्कशीट, स्टेटस बार। ये MS Excel के एप्लीकेशन विंडो के पार्ट है। तो आपका ये फोर्थ लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।